हम संकीर्तन की जय हम कभी कृष्ण ओम ओमकनिरामचंद्राय राधिकाई कृष्ण कृष्णभक्ताय नमो महादन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
ృందావాసరం इसी धर्मात्म के उपलक्ष्य में सभी भक्तों जनों के उत्साहित करते थे। हम लोग भी बहुत परिश्रम से धर्मात्म की सामग्री करते थे। लगातार दो तीन महीने तक गुरुपुरी के बाद ही इस संस्था जो सब जन्माष्टमी की तैयारी और उसके पश्चात राधा की तैयारी शुरू कर दी। सभी काल ही बलवान है, सर्वों काल पिता भगवान है, समय ही बहुत बलवान है। इस समय मधुर अमृतमय
It's complicated. I wonder. Sanitya Mani, Sneha Deva Ke, Priti Deva Ke. महाभारत की अंतर्ध्यान हमें के साथ ही साथ सभी लोग कुछ अभाव बोल करते याद है गुरुदेव गुरु सनातन के गुरु से बात की जो भाव किसने लगातार चार पांच दिन तक वहां पर रहते थे सुबह शाम सभी भक्तों की उत्साहित करते थे रूप गोस्वाम के जीवन चरित प्राप्त जीवन लीला उसे पता करते मथुरा वृंदावन आदि से बड़े बड़े पंडित लोग उस रूप गोस्वाम पाद की तिरुभाव की सभा में आकर के बहुत सुंदर गोविंद विष्णु की विचारधारा प्रयास कर रहे आप लोग इस धारा को पुनः संजीवित करने के लिए समय की एक विशेष होता है समय के अनुसार नदी के जल कभी भर जाता है और समय के अनुसार नदी के जल कम यदि नदी समुद्र से जुड़े रहे संयोग रहे तो नदी की जलधारा कभी सूखेगा नहीं और नदी की जलधारा यदि समुद्र के साथ यदि विच्छेद हो जाए जुड़े तो जितना ही बारिश हो कुछ भी हो उसके दिन एक भी वो समुद्र की जलधारा सूख जाए मेरे कहने की उसी पर तात्पर्य है हम गुरुदेव के साथ भी जुड़े रहे वैष्णव के साथ भी जुड़े रहे तो धारा प्रवाह है वो कभी सूखेगा भले ही बरसात के समय पानी अधिक हो जाता है फिर गर्मी के समय पानी कम इसके मतलब नहीं है गर्मी के समय बिल्कुल नदी सूख जाएगी ऐसे यदि समुद्र के साथ जुड़े रहे गर्मी के जितने भी गर्मी पड़े जितने भी धूप पड़े और नदी के जल कभी सूख नहीं कम ठीक उसी प्रकार राम की जीवन के उद्देश्य लगातार नहीं बनकर भटक करके गुरुदेव के साथ हम जुड़े रहे गुरुदेव की विचारधारा को हम लोग अपनाते उसका हम प्रयास करें क्योंकि एक महाभारत की अंतर्ध्यान होने के साथ साथ कुछ न कुछ तो पालन हो गया कुछ समय तक आगे पीछे हो गया प्रभुपाद के समय से लेकर के भक्तिहान प्रभुपाद अंतर्ध्यान होने के पश्चात भी देखा गया इसके पश्चात भक्ति प्रकार के सब गोस्वामी पाद भी अंतर्ध्यान होने के पश्चात भी कुछ न कुछ आगे पीछे हुआ उसी प्रकार गुरुदेव जी अंतर्ध्यान होने के पश्चात भी हम उसको भी अनुभव कर ले ये इतिहास है इतिहास तमाम देते हैं साक्ष्य देते हैं इतिहास को बता दिया इस संसार से पीछे चले आते हैं फिर उसके पीछे इतिहास जो है वो स्मरण दिला दिया इतिहास तो हिस्ट्री है हम सुन कर जो जाते हैं तो उसके इतिहास में देते हैं ठीक उसी प्रकार इस परमात्मा के जीवन में भी विचार करते हैं किंतु मेरे कहने की तात्पर्य है गुरु विष्णु की विचारधारा गुरुदेव की महत्व जो वाणी गुरु जी उपदेश आदि
अपने हृदय में धारण करें और उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो ये कथा यहाँ पर बैठने के साथ ही साथ गुरुदेव की स्मरण हो जाए। गुरुदेव जी स्थान पर बैठे थे, लोग सब भक्त लोग सब आ रहे थे, सालों भर लोग भी आते थे और गुरुदेव जब विदेश से आ जाते थे, बस सभी लोग आकर के गुरुदेव की तरफ कम निशान कर गए। ये पूरा नाटकी से उधार तक बिल्कुल आज सन्नाटा जैसे दिखाई पड़ता है, खान के अभाव से उनकी जो आदत, उनकी जो विचार, उनकी जो विषय जो उन पूरा कर सकते बात की थी। मैंने कहा कितने सुंदर हो गया था। इसके बाद ही गुरुदेव जुलान यात्रा यहाँ पर भी करते थे, पूर्णिमा के दिन ही गुरुदेव शाम के समय यहाँ पर आ जाते थे, एकादशी के दिन यहाँ पर झूला सब करके झूला झूला करके गुरुदेव जाते थे और वहाँ पर चार पांच दिन तक लगातार रूप कृष्ण पाठ शिक्षा धारण करके कीर्तन करते थे। बड़े 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 इंद्र आदि के भी अपने अपने विचार आदि रखते। फिर गुरुदेव पढ़ने पुण्य के लिए शाम को गुरुदेव यहाँ पर आ जाते, मतलब लोगों के आ जाते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए बारी में गुरुदेव इसी करते। कभी ब्रह्मचारी समय से उनके लिए गुरुदेव कृपा करके सुयोग दे रहे थे सुयोग कर। और इसके पश्चात गुरुदेव और गुरुदेव को प्रोत्साहित करते थे जन्माष्टमी के अच्छी तरह से तैयार करने के लिए। जन्माष्टमी करना मंदिर अच्छी तरह से सजाया जाए फूलों के द्वारा और उनके कृपा विद्वासी लोग सब बहुत कठोर भी परिश्रम भी करते हैं, आगे आगे हाथी घोड़े सभी लोग आप लोग कृपया पधारिए, अपने समस्त मित्रों के बीच लेकर आइए। गुरुदेव के विचार की गुरुदेव के मंदिर है, गुरुदेव के लिए भजन है। लोग कहाँ कहाँ भटक के जाते जाते हैं, शास्त्र में कहते हैं जहाँ पर महापुरुष महापुरुष भजन करते हैं उसके एक एक ईंट जो है उनके प्रतिदिन करते जाते। गुरुदेव कहा, गुरुदेव ने कहा मैं इसी मंदिर में 60 साल में भजन किया। कितना? 60 साल। इस मंदिर की एक विशेष वैशिष्ट, यहाँ पर आने से भजन करने की जरूरत नहीं होता, भजन तो मंदिर की बात है, अपने बैठने से चित्तन निर्माण हो जाए। सत्संग में बात है जहां पर संत महापुरुषों की चरण धूलि विराजमान वो स्थान साधन में, वो स्थान साक्षात वृंदावन। इस स्थान में कितने कितने महापुरुषों की चरण धूल पड़ी है। अभी भी जितने भी स्थान में नया बन रहे हैं उसमें हो सके बस हिंदी
मैं पर महत्व के चरण तुम पड़े अथवा नहीं पड़े इस संसार में किंतु हमारे केशव जी गौरी मठ में सभी प्रपात प्रपात अत्यंत प्रपात की जितने भी काम है भक्ति के माधव उसमें भक्ति प्रमोद पूरी रोशनी भक्ति वैभव पूरी पूरी रोशनी जनार्दन गोस्वामी महाराज अब हम देखो राधे राधे सभी प्रश्न यहाँ पर बैठ गए जितने भी महापुरुष प्रभुपाद के जितने भी गण है सरकार भक्ति वेदांत सन्यास की ये पर है यहाँ पर उनके भी सन्यास भी है इलाज अभी तक भी उनके वो चित्रपट भी ये स्थान वृंदावन की क्या ये स्थान वृंदावन से किस प्रकार कम यहाँ पर महत्व ऐसे से महान अनुभव जन भी एक स्थान पर हम ये कथा में बहुत सुंदर ये निर्मल स्थान गुरुदेव इसी स्थान की सुंदर कृष्ण के जन्माष्टमी हम लोग पालन करने के जा रहे हैं उर्दू शब्द की तरह करता हूँ गोविंद की अपार लीलाएं जितने प्रकार के कृष्ण की लीलाएं है हमारे आचार्य के पाद ने उनके तीन रूप में विभाजन करके दिखाया एक दारिका लीला और एक मथुरा लीला और तीसरी सिद्धांत भी इसमें भी वर्णन करते हैं और भक्त के अनुसार वो स्थान की विशेष महिमा वर्णन करते हैं पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतर कहा गया दालिका पुरी के कृष्ण की पूर्ण भूमिका उत्तरा के पूर्ण भगवान भी अपने स्वरूप प्रकट करते हैं लीलादि भी प्रकट करते हैं अपने धाम और परिकरों के ऊपर जैसे धाम ऐसे परिकर के अनुसार संत कृष्ण भी वो लीला भी प्रकट करते हैं है तो एक ही भगवान एक वो वहां बहुत उपनिषद में कहते भगवान कहते मैं एक होते हुए पर भी अनेक रूप में अनेक लीलाओं के द्वारा मैं सदियों की है सभी भक्त को मैं आनंद प्रदान करता हूं उपनिषद में कहते रसो रसो वैसे छह बार रक्त आनंद होती सन भगवान रसमय रसिक शेखर कृष्ण द्वारा हो इसने जीवों की कल्याण करने के लिए अपने जगत में लीलाओं के द्वारा प्रकट करते रहे अपार लीला स्थान कृष्ण ने पाल लीला दी इसके पश्चात वृंदावन की लीला के साथ आसन करते हुए सफर के साथ उच्चारण निकालते श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में गोविंद की इस रूप से देवता वर्णन पाल लीला से लेकर के इसके पश्चात माधुर जो लीलाओं प्रकाश किया वृंदावन में गोपियों के साथ उन्होंने राष्ट्र जगत जो जल राष्ट्र भारत किया भावी भावी तथा
अतः धन्यवाद ऐसे करते हैं जितने भी लीलाएं हैं वो सर्वोत्तम लीला राष्ट्र लीला जो उनके साथ विचार में बहुत सी विधा विधाती हुई सभी के चित्त मंत्र जो है हरण करते हुए और सभी के जो है प्रेम प्रदान जिसका हमारे लघु गोस्वामी पाद लघु भागवत ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं लता को की प्रेम वृंदावन में ऐसी कोई व्यक्ति है जिन्होंने वृंदावन की लता पता से लेकर के सभी की प्राणियों की प्रेम नहीं किया अपने लीला माधुरी प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी चार माधुरी है ये चार मधुरिमा में उन्होंने प्रकाश किया इतने सुंदर मधुरिमा की जरूरत थी सारे असुरों की उन्होंने बात किया खेल कूद करते करते मुझे असुर पद धारण नहीं किया लेकिन उतना पद पहले उनकी लीला भी उतना पद नहीं और उनको भी भगवान ने किया कि उसने धनुष को गति कृपा दयालु शरण प्रति हो और वो प्रतियां चमकार उतना ब्रज में आई थी केवल छह दिन के बालक शिशु कृष्ण के बात करने के लिए अपने स्तनों में कारकुट जहर विष लगा के डाल कृष्ण को मारने के लिए केवल उन्होंने क्या की वेश बनाया ऊपर से एक मातृ वेश बना दिया भगवान के मारने के लिए आई थी किंतु भगवान ने क्या की ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं की जो दुर्लभ स्थान दुर्लभ प्रेम उनको प्रदान दारकमी वैकुंठ में नहीं अयोध्या में नहीं दारकमी नहीं मथुरा में नहीं गोलोक में मां यशोदा के परिचारिका आदि के रूप में उनके वो शब्द भी जो है इन्हें कहते हैं ओहो वकियं स्तनकारकूटं अभूकियं स्तनकारकूटं जिघां सत्पसारुलेवरिदात्मचेतं संपादयालं शरणं व्रजेम संपादयालं शरणं व्रजेम सुदेव संपाद करते महाराज कृष्ण गोविंद की अपार करुणा महिमा अहो मानने के लिए आएगी और भगवान की उतना की अत्यंत दुर्गंध शरीर असुर शरीर है दुर्गंध और देखने भी बहुत कुरूपा थी सुंदरी नहीं थी बाल बिगड़ी हुई है बकरी की आग की लहरियों के भांति उनकी बाल ऐसी बिगड़ी कितना दुर्गंध में से और भगवान ने के भी केवल पोटों के कमल का कोमल कोमल और कमल के भांति पोटों के लगाया अपने उनकी स्तर बस उनके प्राण दैवे के और उनके शरीर को पुनः शरीर को नष्ट करा करके सच्चाद रिक्त गोलोक में मां से परिचारी के रूप में भाई के रूप में परिचारी के रूप में बहुत अच्छा एक तो उसी शरीर से उनको छुड़वाया दुर्गंधमय शरीर से और दूसरी ब्रह्मा जी बड़े देवताओं की जो दुर्लभ ऐसे की कथा महाराज के निकट
वंश के द्वारा प्रेरित भेजे हुए जितने भी असुर ब्रज में आ गए, कृष्ण सभी के सभी उनके जो है बड़े बड़े ज्ञानी लोग कठोर तपस्या आदि करके इंद्रिय आदि संयम करके जो ध्यान कर नहीं पाते, प्रभु की स्मरण कर नहीं पाते और प्रभु की मुक्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं ज्ञानी लोग, किंतु कृष्ण ने क्या असुरों की केवल मार दिया, और उनको भी मुक्ति को दिला। जिस ज्ञानी लोग मुक्ति के लिए प्रशंसा करते हैं, मुक्ति के लिए तड़पते रहते हैं और भगवान ने क्या की असुरों की अनायास गलती सहज रूप में जद्वत्वान्निवर्तन्ते मेरे हम में कोई एक बार आ जाए, मेरे शरण में एक बार कोई आ जाए, उसमें पार हो जाए। जिधर जद्वत्वान हो ना निवर्तन्ते उनके प्रति उस धाम से कभी वह मेरा नित्य शाश्वत चिरंतन अपराधित दिव्य धाम का ये वृंदावन भगवान की रसमय लीला लाला कोई नहीं आ रहा है उसके भगवान को छोड़े। कहो ये असुर लोग कैसे आ रहे भजन करने वाले थोड़ी देखे जाते भगवान अपने जो माया के द्वारा ऐसे असुरों के भी प्रवेश अधिकार दे दिया, प्रवेश पत्र दे दिया है? तो प्रभु ने किसी कैसी लीला की, उतना कौन सा जीवन में भजन किया। वृंदावन में प्रवेश के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, किंतु उतना कोई भजन साधन नहीं किया, दुराचार की उतना मनोघाती रुदिर सुना वसुदेव से बात करके महाराज की उतना की कौन सा कौन सा छोटे छोटे बाल बालक की जो है बालिका की जो है मारने वाली थी, रुधिरास खून पीने वाली थी, जो ताजा ताजा खून पीती है ना, आप जानते हैं उसके शरीर में कैसे दुर्गंध निकलता है, रुधिरास ना ऐसे उतना उनको भी बोलना ऐसे दुर्लभ जितने भी भगवान किसके छोड़े ब्रज में जो आ गया ब्रज के बाहर नहीं छोड़े, इसलिए वृंदावन ब्रज की कथा भी होती है, कहावत है गोकुल के गाय और ब्रज पुत्रा की बेटी बाहर ब्रज के बाहर क्या हो अरे जोर से बोलो है लड़ा खोटे तो ब्रज की बाहर जाए विवाह करना है तो ब्रज में करो नहीं करो कहीं पर करो बाहर जाए, इसलिए ब्रज की कहावत किसी वृंदावन की कथा में सुना भगवान ने इसे सुंदर मधुर मधुर वृंदावन में लीला की बंसी बजा सखाओं के साथ खेलकूद भी किया और खेलकूद करते करते सखाओं को भी रिझाया आनंद बना, इससे हमारे दुर्वासा आदि गड़बड़ी श्लोक भी गोविंद के ऐसे मधुर लीलाओं में देख करके भी स्तंभित हो जाते देखते रहते
इत्थं सतं ब्रह्मसुखानुत्तम असंगतानां परदैवतेनम् मायाश्रितानां नरतारपेनम् साप्तं मृगौ परीक्षित महाराज के निकट गोविंद की अपार मधुर लीलाओं का वर्णन करते हुए इस प्रकार वर्णन करते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुत्तम इस जगत में बड़े बड़े ज्ञानी लोग सतांग ज्ञानी लोग संत महात्मा हम जिसको आदर करते हैं नमन करते हैं सम्मान करते हैं वह संत महात्मा कौन से संत संत महात्मा ज्ञानवादी अद्वैतवादी जो अपने को अहम ब्रह्मास्त्र जप करने वाले ऐसे से संत महात्मा की वृद्धि क्या भगवान के शरीर पर नगर कमल की नगर चंद्रमा की छटा जो है तेज जो है उसी तेज में वो लीन होना चाहते वृंदावन में आज तक भी देखेंगे बड़े बड़े संत महात्मा अपने के जो है अभिमान करते हैं 108 ब्रह्मलीन महात्मा मंदिर में लिखा रहता है 1108 ब्रह्मलीन महात्मा अपने अभिमान करते ब्रह्मलीन शुद्ध भक्त ब्रजवासी कोई नहीं चाहता एक भाई ब्रजवासी बोलते मुझे मुक्ति मिल जाए अरे भाई वो तो ब्रह्मलीन की बहुत बात छोड़ दे एक भाई ब्रजवासी कह दे जो मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए एक भाई ब्रजवासी कह दे मुझे अयोध्या प्राप्ति हो जाए एक भाई ब्रजवासी कह दे मुझे दलित प्राप्ति हो जाए एक भाई ब्रजवासी कह दे मुझे मथुरा प्राप्ति हो जाए नहीं ये तो यहाँ तो ये तो भी नहीं चाहिए इस पर ब्रज की कथा कहते मुक्ति नाम सुनते ऐसे लगती जैसे खार नमक जैसे लगता है मुक्ति को नाम सुनते ही ब्रजवासी लोग कहते मुझे नहीं चाहिए नहीं तेरी ब्रज में जो है बार बार जन्म हो वृंदावन वृंदावन को भिक्षु मन न जाने कोई टाला टाला पाप पाप में राधे राधे राधा में सागिनी मैं राधि कुदास जन्म जन्म मोइ दियो वृंदावन कुबास वृंदावन यारी लाल की जय जय श्री राम आप बोला जन्म जन्म मोइ दियो वृंदावन कुबास ब्रजवास में भाई कहते मुझे अयोध्या में बार दे दो कन्हैया यदि कहती है तो समझो ब्रजवासी नहीं हो वो ब्रजवासी कोई नहीं इसे कहते हैं जन्म जन्म कोई भी हो कहां ब्रज की लता पता जितने भी सब रात में काम ही इसे संस्थान मुस्लिम पॉइंट कह रहे वृंदावन तो वृक्ष को मन न जाने कोई डाल डाला पाप पाप में इसलिए सूरदास आदि की कविता मुझे लेखन लिखा जाता है बोले मुक्ति नाम जैसे नमक खार लग गया दिया मुक्ति की कथा मत कर बोलना है तो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो वृंदावन में बोलो वृंदावन यारी राधे जय जय श्री राधे
जिस ज्ञानीवादी लोग अद्वैतवादी लोग अपने को ब्रह्म नहीं डाल करके अभिमान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ब्रह्म सुख में लीन होना चाहते हैं। इदम् सतत् ब्रह्म सुखानुत्तम दास संगतानां परदैव देहम्। जो दास भक्त होते हैं वो भगवान के प्रभु के क्या मानते हैं, चतुर्भुज रूप में देखना चाहते हैं। दर्शन बताना वो बड़े है मैं छोटा हूं, तो ये ब्रजवासी कह दे मैं कोई गोपाल भी मैं दास है ना, कोई कह नहीं। अरे कन्हैया तू कौन से बड़ा हो गया, तेरे पिताजी के तो केवल 9 लाख का है। सिद्धांत कहते हैं विश्वभान महाराज के लालन के भाई, विश्वभान महाराज के बेटा और आधार राधारण के भाई क्या बोलते हैं, कन्हैया तेरे पिताजी के केवल 9 लाख काल है नंद महाराज, मेरे पिता विश्वभान महाराज कितना है 16 11। तुम कौन सा पड़े हो, कैसे मधुर ऐसे बात प्यार की बात कभी कभी कैसे बात करना है, अपने आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं, कभी कान में चटते हैं कान कभी कान में चढ़ाते हैं, मारपीट भी होता है। ग्वाल वालन जहां पर प्रेम इसा करस की प्रेम आसो आसो कन्हैया खेल खेल में कभी हार जाते हैं सखा उसे काम पर बैठ जाते हैं, और कभी ऐसी भी लीलाएं होती है सखाओं साथ एकत्रित होते हैं अपने अपने माताओं के दिए हुए जो कलेवा जो है सब एकत्रित रख करके और कन्हैया को जो है गोविंद की प्रति ऐसे अपार स्नेह ममता प्रीति वत्सल आदि एक सबका भाव दिला गोपाल कितना आनंद, हंसी मजाक भी करते थे कहे कन्हैया देखो मेरे भैया कितने सुंदर रसगुल्ला मिठाई है, देखते कहीं कन्हैया के मुंह से जो है लाल टपकने लगे, कन्हैया बोले मुझे तो खिलाओ। गोपाल एक छोटा गोपाल बोले कन्हैया तू एक काम कर आंख बंद कर मैं खिलाता हूँ। गोपाल नीचे की आंख बंद कर दी और अपने मुंह पे ऐसे हाथ दिए, सारे गोपाल एकत्रित हुए बैठे हुए आज गोपाल भी जो भोजन करा रहे, अरे कन्हैया तुमको मैं भोजन कराता हूँ, आंख बंद करो और मुंह भी जो है बस। बाल गोपाल की सभा में बालों की गोपाल की सभा में छोटे छोटे नंद मंदिर छोटे छोटे बालों की आंख बंद किया और मुंह कैसे पार दी, एक मिनट दो मिनट हो गया कन्हैया देखा उनके मुंह में कुछ नहीं था, सारे गोपालों ने सारे गोपालों ने क्या की सारे रसगुल्ला को दबा कर दबा कर खाली खाली कर दे खाली और खाली कर दे की बातें भी नहीं सुन रहे खाली और खाली ये पत्थर खाली कर दे और अंत में वही बात गोपाल ने की एक सुंदर फूल मिल जाए गोपाल भी जो मुंह में दे दिया, गोपाल ने उस समय के दौरान खोली तो उनके मुंह में जब रसगुल्ला नहीं है मिठाई नहीं है फूल है, कन्हैया ने कहा अरे ये रसगुल्ला मिठाई कहां चला गया, गोपाल अपने प्रथा गोपाल कहने लगे कन्हैया तू तो आंख बंद कर ली और मुंह ऐसे पट एक असुर आ गया था वो असुर आकर के सब खाली और खाली कर दिया, बोले कौन सा असुर वो कहां है, अरे ये असुर था उसके नाम था क्या याद है क्या असुर था, भूखासुर भूख लगते हैं ना भूखासुर था भूख लगता वो खाली सब भूख लगते बोले वो कहां है, बोले आप लोग सब के पेट में है बोलो वृंदावन यारी राम, ऐसे ऐसे वृंदावन में कृष्ण सभा के साथ मधुर लीला भी करते दर्शन प्रदान
दशरथ के बाद भक्त जो उसके भगवान बन गए, किंतु वृंदावन के एक छोटे से बालक भी गोविंद के जो है उन्हीं भगवान दर्शन करना प्रारंभ किया। माया से तरण कर लाया रखे इस संसार में जीव महामाया के द्वारा मोहित होकर के संसार में भ्रमण करते रहते, गोविंद की वो मानते नहीं भगवान। माया से तरण नरदारी सोचते हैं ये साधारण एक दो बालक है, ब्रह्मा जी बड़े बड़े देव देवता लोग भी गोविंद के ऐसे सुंदर मधुर लीलाओं के देख करके भी अमित हो जाते हैं, ब्रह्मा की भ्रम हो जाता। कृष्ण भगवान देखे उसके लिए भी उनके बहुत कुछ करना पड़ा। जिस कथा को प्रसंग सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रह्मो विमोहन लीला की कथा वर्णन की, ब्रह्मा भी भक्त भगवान के माया के हम कृष्ण जी हम कहते हैं जो माया सत्ता नरदार के हम सत्तम ब्रिजहु कितपुन्ना कुंजा सुखदेव गोस्वामी पाद कर रहे महाराज परीक्षित ये गोपालों ने कि कितना जनन की पुण्य है कितपुन्न पुंजा, उनकी प्रजन की कौन सा ऐसे पुण्य है जिसके फलस्वरूप गोविंद के साथ ऐसे सुंदर प्रेम विहार अधिक इस प्रकार गोविंद वृंदावन के सपनों के साथ गोचारण और अनेक प्रकार की लीलाओं करके सबके हृदय की जय आनंदित संबोधित किया विभोजन किया। इसके पश्चात कृष्ण की जो लीला कथा जो है गोपियों के साथ प्रेम किया भी किया इस प्रकार और भी सुंदर मधुर है। बंसी विराज समस्त गोपियों के एकत्रित किया वृंदावन में जमुना के तट पर बंसी वट के बीच में नीचे सबको बुलाया स्त्रियों के किस प्रकार उन्होंने द्वारा एकत्रित करके कैसे कैसे मधुर लीला इसी प्रकार रोगियों की जो है रास लीलाओं के द्वारा सबके हृदय को उन्होंने सुगंधित किया आनंदित समृद्ध किया। अघुरी अघुरु चंदन कुमकुम कुपुर आदि ये सब मिला जिसके हम आचार की बात करें चतुस्मा कहा जाता है। अघुरु एक प्रकार सुगंध लिक्विड होता है तो काम नहीं होता रहता है एक प्रकार से तो नहीं होता है अघुरु कहा जाता है ठाकुर जी के अर्चन के समय अगुरु चंदन होता है चंदन और कुमकुम होता है और कपूर ये तीनों के मिलाने से एकत्रित करने से उसके चतुष्म होता है। गोविंद की उसी प्रकार मिला माधुरी की ऐसे ही चतुष्म को मिलाया अर्थात समस्त रसों के एकत्रित करके चार प्रकार के दिया क्या अगुरु चंदन कपूर और कुमकुम तात्पर्य क्या शांत में कोई नहीं शांत को छोड़ देंगे चार प्रकार की रस की महिमा विशेष वैशिष्ट
इसमें भी एक विशेष जो है दस के छोड़ देते हैं व्रत में तीन ही प्रधान बनाया जाता है सख वात्सल्य और माधुर्य तीनों रसों के समाहित करके गोविंद वृंदावन में ऐसे से मधुर विलास और उसमें सर्वश्रेष्ठ विलास है ये रास लीला यानी अति के वर्ती कर जाती है गोविंद की ऐसी सुंदर लीला राम भूमि गोविंद वंशी ध्वनि के द्वारा गोविंद सबको प्रेम प्रदान स्वयं अपने भी रस आस्वादन किया और भक्तों के भी रस आस्वादन कराया रसो रसो वही सब छह बार अवधारण दीर्घ होती स्वयं भगवान रस में पुरुष होकर के ही स्वयं रस आस्वादन करते हैं और भक्त के भी भक्तों के भी वो आस्वादन कराते हैं यही गोविंद की एक विशेष वैशिष्ट है। चलो आज तक हमें प्राप्त हो गोविंद वृंदावन में सभी के आनंद और संवर्धित किया इसके पश्चात नारद ऋषि पधारे गोविंद की सूचना भी दी हे भगवान हे कृष्ण आपकी जगत की जगत में प्रकट होने की तो यही कारण है केवल ब्रजवासियों के लिए तो आप प्रकट नहीं हुए आप ही जाकर के मथुरा और द्वारका की लीलाओं भी कर दी भगवान क्यों नहीं तो लीला है कृष्ण मन में विचार करने वाले बात सुनकर वृंदावन में बिल्कुल डूब गए जैसे आनंद समुद्र मगना आनंद रूपी महासमुद्र में डूब जाए उसे कहां ऊपर आ सकते जैसे विशाल राजहंस महासमुद्र में जब गोता लगाते हैं हम कितने दिन से चले जाते हैं और कुछ समय के बाद वे ऊपर आ जाते महासमुद्र में जो तैर के जाते हैं तरंग की लहरियों में महासमुद्र के तरंग का हुआ दाहिनी में वो अपने रस आस्वादन कर रहा है पर वही महासमुद्र में जैसे लहरिया चलती रहती है उसी महासमुद्र में विशाल हंस राजहंस विशाल हंस राजहंस जिस प्रकार लहरिया में जैसे अपने आनंद की उत्सव में आते रहा उसी प्रकार गोविंद गोविंद की रस माधुर्य लीला राम भूमि वृंदावन की क्या माना जहां पर सिंधु वर्णन करती है कई श्लोक में वर्णन करती है अखिली कभी तो सहमी को राधाभ्याम सुंदर श्लोक में हमारे समीपात भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ में कृष्ण रूपी चंद्रमा विधु जो है युक्त हो गई की रस भूमि जब आप अखिल रसामृत सिंधु इस जगत में जितने भी समुद्र है सब समुद्र में उनकी कोई नहीं कोई अंत है किंतु गोविंद के लीला रूपी समुद्र में अंत नहीं है जितने भी गोता लगा गोता को कहां तक पहुंच सकते हैं अरे गोविंद की अपार लीला भूमि अपार समुद्र प्रेम रस समुद्र में गोता को जान सकते हैं इसलिए अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम और उचित तार का पानी कभी तो सहम बिंदु राम बिंदु के चला विधि कथानी पर आते नारद ऋषि के द्वारा उत्प्रोत्साहित होकर के फिर जोग माया के द्वारा ही लीला संपादन कर लीला संपादन होने लगे कंस के द्वारा प्रेरित अक्रूर रथ लेकर के वृंदावन में पधारे और अक्रूर में अक्रूर की रथ में बैठ करके
कृष्ण बलराम वृंदावन के छोड़ करके लोग सब कृष्ण के यह समुद्र में भी हो प्रेम की दो पहलू होता है, एक विराम और दूसरी होता है संभोग में गया और एक होता है विप्रलंब में गया। संभोग लेकर उन्होंने वृंदावन आश्रम किया और इसके पश्चात पश्चात इसके पश्चात जो है देव की वसुदेव के लिए कृष्ण उग्रसेन के लिए मथुरा की राखी के लिए स्नातन कृष्ण अपने सिंहासन में नहीं बैठे और इसके पश्चात कृष्ण उज्जैनी में गए और गुरुगृह में रह करके 64 दिन में 64 कला विद्या शांति गुरु के आश्रम में और मैं वसुदामा मित्र के साथ में मित्रता भी की इसके पश्चात कृष्ण पधारे और बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगे। 18 बार 17 बार उन्होंने आक्रमण करने लगे। कृष्ण ने किया कि जरासंध की सारे सैन्य के जो दुष्ट असुर के उन्होंने वध भी कर दिया और अंत में स्वयं कृष्ण सारे मथुरापुर को लेकर के महिषियों के साथ में विवाह दी तो लीला कई बलम मनुष्य के वहां की महिमा लीला आदि करने लगे। जैसे गृहस्थ होते हैं पति पत्नी के साथ पुत्र कन्या आदि के साथ रहते हैं भगवान भी उसी प्रकार दारिकापुरी में गृहस्थ लीला भी में पर 16108 पटरंग एक एक पत्नी के घरों में 10-10 पुत्र भी और एक एक प्रणाम के जब उन्होंने प्रदान प्रसाद का कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ अपने पुत्र कन्याओं के साथ पत्नियों के साथ एक दिन कृष्ण संत भमा के प्रसाद में आए रात प्रसाद में एक एक महिष के लिए अलग अलग मुझे कुछ भूख लग रही मुझे कुछ फल चला चाकू से अपने हाथ से ना तो फल को काटने लगे। फल काटते काटते थोड़ी सी चाकू है ना थोड़ा इधर उधर हो गया सप्तमा के उम्र में थोड़ा सा खरोच आ गया। क्या आ गया आटा तो नहीं खरोच आ गया। गोविंद तो देखा लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम लीला
की कथा कौन जाने, रविंद्र जान पुत्र के शब्दों का हाथ को ऐसे तुम्हारे ऐसे सुंदर उंगली में चाकू की खरोच आ गई। रविंद्र अपने हाथ से मानव मौके को काट करके सप्तम के उंगली में चलो सप्तमा गोविंद की ऐसे स्नेह प्रति प्राप्ति करके पति के स्नेह सुहावन पा करके कोई ऐसे सती नारी है। हाँ बड़ी आज गोविंद ने किसी मेरे हाथ में थोड़ी सी चक्कू की खोरच आ गया और गोविंद इस सिंह से पूरी प्रीति से निजात से बात करते गोविंद से बात सब सत्य हां गोविंद के लिए फल काट करके बड़ी बात में कहने लगे सत्य हां आज तुम्हारे के पास में कुछ भजन करूंगा मेरे लिए कुछ भजन तैयार करो। शंकर के सत्य हां बहुत प्रसन्न हुए आज गोविंद हमारे पास भजन करेंगे सबसे जरूरी कौन सा वस्तु है बताओ क्या नमक बिना भोजन नहीं कुछ भी नहीं हुआ हमारे गोविंद जी भजन नहीं करता है कुछ भी करे नमक बिना भजन जैसे चलो सत्य भवन जल्दी जल्दी हाथ से उंगली से उठा करके नमक देने लगे हाथ में नमक उंगली लग गया। आप लोग जानते हैं कटे हुए हाथ में यदि कहीं काटे हुए साथ में यदि नमक की छिटा लग जाए कितना जलन होता सत्य अनुभव है भोजन करेंगे सत्य भवन और कृष्ण एक ही मानो डाइनिंग टेबल पे पति पत्नी एक ही साथ में बैठी आज के पुत्र ने किसने जो मैं ऐसे कर दिया केवल कृष्ण और इतने सुंदर भोजन सामग्री बनाया तो चले अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाया अनेक प्रकार भी गए भोजन सामग्री बनाया गोविंद और सत्यभामा आनंद ने कथा बात की चल रही कभी धार की बात कभी उधार की बात करते रहते जैसे हम संसार में रहते हैं आनंद की एक लाइनें चल रही थी मुझे तो बहुत सुंदर बनाया क्योंकि सत्यभामा कोई साधन नहीं जो भोजन के लंपट होता है वो भी बनाती ही अच्छा है लंपट जानते जो अच्छा खाने वाले होता है ना वो अच्छा बनाने वाले होते हैं जिसे खाना ही नहीं आता है वो अच्छा बना ही नहीं पाता अच्छा क्या बोला जो अच्छा खाने वाले होता है वो अच्छा बनाते हैं उसके अनुभव जो अच्छा कीर्तन करता है वो कीर्तन सुनने में उसका आनंद होता है जो अच्छा बजाते हैं और दूसरे भी बजाने बजाए ना उसके लिए सुनने भी आनंद और जिसको बजाने आता ही नहीं है उसके पास कोई अच्छा बजाए उसको क्या सुने इसमें बचपन में क्या है भेस के आगे भेर बजावे और भेस पकड़ा नहीं इसलिए हमारे आचार्य पाद भी कहते हैं जो अच्छा भोजन करने वाले होते हैं वो अच्छा भोजन ही बनाने वाले
जैसे भीम की कथा आ गई, भीम जैसे भोजन बनाने वाले हैं ऐसी भी कथा बनाने वाले, और भोजन भी भीम भी अच्छा भी भोजन करता था है? ये सत्य के विचार है, अच्छा भोजन करने वाले अच्छा भोजन बनाते, जिसको बनाना नहीं आता है उसे क्या पता है कैसे खाना है? तो ये कथा में मैं सप्तभुवन की बात कर रहा था, राम राम सप्तभुवन को भोजन बनाने वाली है और खाने के साथ साथ बहुत सुंदर गोविंद और सप्तभुवन दोनों खाने लगे और घर संसार के घर संसार में जैसे पति पत्नी बातचीत करते हैं, संसार की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो बहुत तुलना कई बरम से भगवान मनुष्य के भाव में बन जाते हैं, बातचीत चलते चलते इधर भगवान विचार करने लगे आज और एक दूसरी सत्यना के रूप में देख लेता तो सत्य भगवान ने इतना ही कहा दिया, रविंद्र एक बताओ मुझे देखकर कर कैसे लगा भाई, हाथ तीनों के पति के निकट ये नहीं कुछ कहने के मन में भावना रखता है, मुझे देखकर के पति के मन में क्या भावना है? प्रेम राज्य की कथा तो सत्यभामा ने कथा करते करते इतनी कथा सुन दी, क्या बोली कृष्ण बताओ मुझे देखकर के मुझे किस चीज गोविंद ने इतना ही कहा दिया, क्या बोले नमक जैसे कैसे नमक जैसे, भाई अभी भी कथा सुना था ना नमक लगने से कितना जलन होता है, सब तो हम उसी का बजा मुझे देख के नमक वाली जलन होता है क्या भाई, हम दुख की कथा क्या सब तो वहां पे हो गया गुस्सा क्रोध हो गया बस मान कर भी खाना पीना तो हो गई थी सब कुछ, गोविंद भी चले गए, गोविंद बोला ये पर समाप्त कर देता हूँ, मान गुमान हो गए रहे मान गुमान होकर चले गोविंद गोविंद सत्यभामा की कक्ष से बाहर गए चले गए, दो तीन दिन हो गए गोविंद सत्यभामा कहते मिली जी भाई, जिसके बाद सात हजार थे 16,100 पटनी है उनके थोड़ी कोई कमी होता है तो वे एक होते तो थोड़ा भी चलता रहता है 16,100 आप पाटन में जिसको भी उसके लिए ब्राह्मण जैसे एक कुल से दूसरे को दूसरे को तीसरे को घूम घूम से रहते हैं, गोविंद उसी प्रकार की उनकी स्वभाव बलविंदा और यार मिला सत्य मन पर मान करते चलो भगवान भी विचार करने लगे नहीं नहीं उनको मान भी समाप्त करना चाहिए, पर ये घर संसार की प्रेम है पत्नी को मान को भी चाहिए। दो तीन चार दिन के बाद सही कृष्ण सत्यभामा के निकट आकर के कुछ मधुर वचन आदि करने लगे तो धीरे धीरे संसार में होते मान तो होते जाते फिर भाई बिल्कुल भी हमारे पति तो है पति कुछ भी बोलते चलो थोड़ा तो उससे दिमाग लगा, तो कृष्ण ने कह दी और आगे को लीला को आस्वादन करने के लिए सर कृष्ण बोले सत्यभामा तो मान को छोड़ दिया कि नहीं, बोले हाँ जी मान क्या है अरे घर संसार है पति पत्नी कुछ समय तो होता रहता फिर भूल जाते कृष्ण ने कहा सत्यभामा ये काम कर आज दोनों पिकनिक करने के लिए चले, कहाँ चले वन भजन करेंगे वन भजन लीलाधरी लीला पुरुषोत्तम की कथा हम क्या वर्णन करें, चलो सत्यभामा करने चलो पति देव आज प्रसाद के बाहर चले, कृष्ण पहले से कहती एक सुंदर स्थान पर जो है स्वयं कृष्ण जो है प्रसिद्ध बनाए, देखो गोविंद भी कई किसी का जो कम नहीं है इस संसार में पुरुष किसी पुरुष के आता है रसी बनाए किसी में नहीं भी आता है, ज्यादातर जो है देखा जाता है पुरुषों के जो है उनका आता नहीं, एक दो दिन पत्नी यदि बिहार चली जाती है ना उनकी खलबली 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 बन जाती है कौन बना
है बस केवल वो सुखा हुआ वो क्या मान लीजिए बस इधर निकाल के रख और प्रातिहार घर में आ जाओ हम तो तीन दिन दुखे में पड़ी हुई क्या क्या कर किंतु गोविंद भी ऐसे नहीं है समस्त प्रकार कला में गोविंद भी नहीं बोले जैसे महिष्य भी जिस प्रकार समस्त प्रकार कला में निपुण है पार है गोविंद भी उसी से कम नहीं है गोविंद जी एक कला के विस्तार रंगन कला मन अच्छी बात गोविंद भी कम नहीं है झुके ने झुक झुक जाती गोविंद ने दे दी पहले से ही सप्तमा के पुराण के पहले उस स्थान पर सैन जो है रसी बना के उस प्रकार की है थोड़ा इधर उधर बंद है बंद हो भ्रमण करते के जब भ्रमण करते करते बात चिंता ते करते वो स्थान पर आए और भजन की स्थान पर दोनों बैठे है किंतु गोविंद ने कभी सारे तो बनाया किंतु उसने नमक नहीं डाला सत्य भमा को दे दिया कहते सत्य भमा तो पहले भोजन कर इसके बाद में भोजन कर सत्य भमा की भोजन बहुत भूख लग रही थी बहुत समय तक गोविंद जान बुझ करके घुमाया इधर घुमाया उधर घुमाया भूख प्यास तो लग रही थी एक तो राजकुमार ही है हाँ शरीर में इतनी बहुत सुंदर है इधर घूमते घूमते उसके भूख प्यास तो लगी और गोविंद कहने लगे सत्य भमा तो पहले भजन कर इसके मैं भजन आज तुम को मैं खिला खिला पति पत्नी में होता है भाई सबसे कोई उससे जो बात रहता है कहते गोविंद गोविंद कहने लगे सत्य भमा तू भजन कर पहले इसके बाद में सत्य भमा भूख लाग रही थी सत्य भमा भजन करने के लिए बैठे गोविंद तो थोड़ा पीछे हट गए सत्यमा पहले देखा पहले तो भजन किया सत्यमा सोचने लगी उनकी कोई परिचारिका जो है सैक्रमेंट सारे किसी मैट ने बना दिया किसने बनाया बनाना नहीं आती है डांटने लगी किसको परिचारिका उनके पता नहीं सत्यमा के पता नहीं था श्री कृष्ण परिचारिका सत्यमा के क्रोध दे करके करने महारानी मैंने Thank you.
Thank you.
जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। जय नित्य विलास विष्णु विष्णुपाद सूर्य प्रसन्न भगवती वेदांत सर्वमान श्री महाराज की जय। जय नित्य विलास विष्णु विष्णुपाद सूर्य प्रसन्न भगवती श्री महाराज की जय। जय नित्य भगवत वेदांत सत्य विष्णु श्री महाराज की जय। जय नित्य विलास विष्णु विष्णुपाद सूर्य प्रसन्न भगवती वेदांत स्वामी महाराज की जय। सर्वमान श्री महाराज की जय। श्री राधा की जय।